से। तू कितना भी मुझे मार ले पर मैं तेरा भांडा फोड़ के रहूंगा। छोड़। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी, क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। देश में हर साल हत्याओं के करीब 6000 मामले अनसुलझे रह जाते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक हत्या के मामले में ऐसे कोल्ड केसेस की तादाद पहले ही 2.5 लाख से ज्यादा है, जिनमें से कई मामलों में न मरने वाले के बारे में पता चलता है और ना ही मारने वाले का कोई सुराग मिल पाता है। यकीनन इन हत्याओं के पीछे ऐसे शातिर अपराधी हैं जो कोई सुराग नहीं छोड़ते, लेकिन कई बार पुलिस का देर से पहुंचना, क्राइम सीन से छेड़छाड़ और कभी कभी तो खुद विक्टिम की जानकारी ही रहस्य बनकर रह जाती है। आज की कहानी ऐसे ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस से पर्दा उठाती है। कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर वाणी। तकरीबन 2.5 दर्जन राज्यों और उतनी ही भाषाओं की विविधता वाले हमारे इस देश में ये केस जुड़ा हुआ था एक अजीबो गरीब शादी से। साहब, मैं सुबह लकड़ी बीनने आया था। हाँ। यहाँ पे एक लाश देखा, तभी मैंने आपको कॉल किया। चल। शिरगी इसके सर पे जोर से मारा है, शायद इसके वजह से इसकी मौत हो गया। सर, आसपास काफी खून भी है, लगता है कि इसे तड़पा के मारा गया। सर, इसके कपड़ों पे लगी कालिख कुछ कोयले जैसी लग रही है। सर, की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और कपड़े फॉरेंसिक को, और जंगल के आसपास कोई सीसीटीवी हो तो उसका फुटेज कलेक्ट करो। सर, सर फिर से चार चम्मच। चार चम्मच शक्कर की चाय दिमाग की बत्ती जलाए, आगे बोलो। सर, वो जो बॉडी मिली थी ना, उसके बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है सर, और सीसीटीवी में भी कुछ खास पता नहीं चला है। लेकिन सर, पीएम रिपोर्ट से पता चला है कि उसके सर पर किसी भारी चीज़ से वार किया गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है, और बॉडी मिलने के 10 से 12 घंटे पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। और उसके कपड़ों पर जो कालिख लगी थी ना सर, वो कोयला ही है। कोयला? लेकिन शिर के क्राइम सीन के आसपास तो हमें कोयले का कोई निशान नहीं मिला। एक काम करो, गोमती नगर में कहीं कोयले का गोदाम है क्या, पता करो, क्योंकि यही चीज़ है जो हमें उस लड़की के शिनाख्त में काम आएगी। ठीक है सर। साहब, इसका नाम तो राजू यादव है, ये अपने कोयला सप्लायर कमलेश शिंदे है ना, उनके शंकर नगर वाले गोडाउन में काम करता था। सर, ये राजू है? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, इसे किसने मारा होगा? देखिए, इसे जिसने भी मारा है बहुत ही बहरहमी से मारा। अच्छा, राजू का किसी से कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी, किसी से कोई अनबन थी इसकी? सर, वो तो बहुत ईमानदार आदमी था, शायद ईमानदारी उसकी दुश्मन हो गई होगी, वैसे तो सबसे अच्छी तरह से बातें करता था। साहब, कुछ दिन पहले राजू का मुकेश के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। छोड़, छोड़, ये क्या चल रहा है? काम क्या, क्या राणा मचा रखा है? शिंदे साहब, ये मुकेश गोदाम से कोयले चुराता है। मैं कोयले चुराता हूँ? झूठ बोलता है। एक ही फटके में खोपड़ी खोल दूंगा तेरी राजू। इसके घर की तलाशी ले लो, मैंने अपनी आंखों से देखा इसे कोयले चुराते हुए, और जब मैंने टोका, साला मुझे गालियां दे रहा है। रुक जा साले, अब तू गालियों से नहीं मानेगा, अब तो तुझे हम। तेरे ऊपर तो पहले से शक था मुझे। चल निकल, गोदाम के आसपास भी नजर आया ना तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। चल निकल साले, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तुझे देख लूंगा मैं। उस दिन के बाद मुकेश आया नहीं, जब वो निकल रहा था तो राजू को मारने की धमकी दे रहा था। हाँ सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये मुकेश नहीं मारा होगा, उस दिन की बेइज्जती का बदला लिया होगा। उसकी चमड़ी खींच लेता साहब, लेकिन साहब बेरोजगारी की वजह से गांव जाना पड़ा साहब। साहब, मैं आज ही गांव से लौटा हूँ, ना विश्वास हो साहब तो गांव में पूछ लीजिए साहब। वो तो हम पूछताछ करेंगे ही। अरे बिना शक्कर के चाय नहीं पी मैंने, तेरी कसम। सर, हाँ हाँ, एक मिनट,
सर वो मुकेश सच कह रहा था और लोकल पुलिस ने भी कंफर्म किया सर वो उस दिन गांव में ही था और यहाँ उसके पड़ोसियों का भी यही कहना है। तो शिरके अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में किसी पे शक? सर यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मुकेश अपने गांव में था और उसके अलावा ऐसा कोई है नहीं जो शक के दायरे में हो। सर राजू तो वैसे भी बहुत गरीब आदमी था, झोपड़पट्टी में रहता था, उसके पास खुद का फोन भी नहीं था। शिरके एक बात समझ में नहीं आ रही, राजू जैसे गरीब आदमी को मार कर क्या मिलेगा? हाँ ये 100-200 के लिए ये गंजड़ी नशेड़ी लोग एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, लेकिन राजू तो एकदम कंगाल था सर। शिरके अक्सर ऐसे केसेस जिसमें सस्पेक्ट नहीं होता ऐसे केसेस की फाइल बंद हो जाती है, लेकिन हम ये केस सॉल्व करके रहेंगे। राजू का कत्ल किसने किया था? अनाथ और गरीब राजू की हत्या करके किसी को क्या हासिल हो सकता था? क्या वाकई इस जुर्म के पीछे ऐसा कोई शातिर अपराधी था जिसने गहरी साजिश के तहत न सिर्फ राजू को मौत के घाट उतारा बल्कि वो अब भी खुली हवा में सांस ले रहा था? दूसरी तरफ सस्पेक्ट न होने की वजह से पुलिस ने हार कर इस केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, लेकिन 2 महीने बाद अचानक लालच और धोखे की इस कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। क्या कहानी के इस दूसरे छोर से राजू की मौत का कोई गहरा संबंध था? अंजलि जब इस घर से निकल जाएगी तो हमारी इतनी अच्छी देखभाल कौन करेगा? आओ खूब गुणी मुल गए हो और क्या मजा ले कि उसे गुस्सा आ जाए। और अंजलि के हाथ की एक कप चाय पीकर देखिए आप, मजा आ जाएगा। क्या वही नहीं हो ना भाऊजी, आणि फक्त चहा काय, सुग्रण आहे हो माझी मुलगी। वाह बेटिया, आपने जो फोटो दिखाई थी ना उससे भी ज्यादा सुंदर है आपकी बेटी। वरना लोग तो आजकल फोटोशॉप वाली सुंदर फोटो भेजते हैं और जब लड़की सामने आती है ना तब भेद खुल जाता है। अरे नहीं, ये हमारी छोटी लड़की है मोहिनी। अरे मोहिनी जरा अंजलि को लेके आओ। अंजलि तो अभी आएगी। ये देखिए आ गई हमारी अंजलि। फोटो में तो लड़की इतनी नहीं दिख रही थी, आपने हमें क्या बेवकूफ समझा है जो इतनी बदसूरत लड़की को हम अपनी बहू बनाए? ये रिश्ता भी चला गया, इस लड़की की शादी होने से रही, अतः बस आपका डोक्या भर जिंदगी भर। आई इसमें मेरी क्या गलती है, जहां कहती हो चुपचाप खड़ी तो हो जाती हो, तुम काय करो आई? गलती तो हमसे हुई है तुझे पैदा करके। रूप रंग में आग पर नहीं गई होती ना तो अभी गोरी होती मेरी मोहिनी की तरह, ऊपर से कोयले का धंधा शुरू किया तो ये कोहिनूर तो पैदा होना ही था ना हमारे घर पे। वही नहीं, आप गुस्से में कुछ भी बोल जाती हो। अरे हमारी अंजलि सच में कोहिनूर है, बस लोग उसकी अच्छा ही नहीं देख पाते। ओ भाऊजी तुम्हें तो बोलूच नका, ये लड़की ना हमारा दम लेके इसे चैन मिलेगा। हे का, तूने फिर से जेंट्स के कपड़े निकाल कर ये लेडीज वाले कपड़े पहन लिए? तुझे मना किया था ना तुझे ये नहीं पहनना है। गाय दिन भर लड़कों के कपड़े पहन के घूमना पड़ता है, कम से कम घर पे तो मुझे जेंट्स जीने दिया करो, या तुम्हें भुला कर ही चैन आएगा कि मैं एक लड़की हूँ। अगर तुझे पैसे कमाने हैं तो तुझे भूलना होगा कि तू एक लड़की है। अब तेरी शादी के लिए नया शिकार ढूंढना होगा। अंजलि बाइक पे घूमने चलेगी मेरे साथ? अब मना मत करना यार, तो मना करेगी तो दिल टूट जाएगा मेरा। तुम
फिर आ गए? सच में बहुत बेशरम हो तुम। तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, तुम्हें बात समझ में नहीं आती? अरे चल ना, अब इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां अभी इतने नखरे नहीं करती, तुझे किस बात का घमंड है? और वैसे भी यार, तेरी शादी तो होने से रहे, क्योंकि तुझे जितने लड़के देखने आते हैं वो तुझे रिजेक्ट करके चले जा रहे हैं। शक्ल देख अपनी और कदर कर मेरी, जो तेरे लिए पलके बिछाए बैठा हूं यहां। जितने मजे करने हैं ना, कर ले मेरे साथ। अब चल जल्दी बैठ और कहीं निकल। आगे मजे की और मजे चाहिए? आइंदा मेरे आसपास भी भटके ना, तो ऐसी सजा दूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं। इस बात का अगर बदला नहीं लिया ना मैंने, तो मेरा नाम भी अक्षय नहीं। चलो बाय। मोहिनी, ताई, मोहिनी, ये विशाल अच्छा लड़का नहीं है। मैंने उसके बारे में बहुत गलत चीज़ें सुनी हैं। मेरी बात मान, उसका साथ छोड़ दे, वरना बहुत पछताएगी। अच्छा, मैं पछताऊंगी? ताई, तुझे कोई मिल नहीं रहा है ना, इसलिए तुझे जलन हो रही है। मैं खूबसूरत हूँ, तू जलती है मुझसे। ताई, ये अपने फिजूल बातों से ना मेरा रिलेशन मत खराब कर, ठीक है? पर आइंदा मेरे मामले में टांग अड़ाई ना, तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी बड़ी बहन है। मोहिनी, मेरी बात समझने की कोशिश कर। ऐसा ही बोलती तेरे बारे में, तू है ही मनुष्य। देखना, खुद पछताएगी एक दिन जब तुझसे कोई शादी नहीं करेगा। ये सब ठीक है, लेकिन इनमें से पैसे वाली अमीर पार्टी कौन सी है? ये सब मिडिल क्लास परिवारों की अच्छी लड़कियां हैं, सर्वगुण संपन्न। हमें ऐसी लड़की दिखाइए जो घर में लक्ष्मी लेकर आए। देखिए, अगर आप लोगों की सुंदर लड़की की डिमांड नहीं है, तो हमारे पास एक बहुत बढ़िया रिश्ता है, आपको याद में दिखाता हूँ। ये लीजिए, लड़की के पिता का कोयले का कारोबार है। अरे वाह, कितनी गुणी और सुशील लग रही है ना। की बेटी हमें बहुत पसंद है। नहीं, विश्वास ही नहीं होता कि हमारी अंजलि आपको इतनी पसंद आ गई। इतने लोगों ने रिजेक्ट जो किया है, उसको विश्वास कैसे बैठेगा? वैसे ये फैसला लेना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था। खूब ऐकलो होता, अंजलि के कई रिश्ते टूटे हैं, लेकिन हम तैयार हैं। आप लोगों ने भी तो तैयारियां की होगी ना, बेटी को खाली हाथ विदा थोड़ी करेंगे। हाँ, बताइए क्या चाहिए, हम यही तय कर लेते हैं। अरे इसमें तय क्या करना है, अब इतना बड़ा बिजनेस है आपका, लड़की की शादी है, लाखों रुपया तो जमा किए होंगे आपने। अरे नहीं नहीं, हम लोग लालची नहीं है, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, बस 50 लाख कैश दीजिए और 20 तोला सोना दीजिए बस। वाह, ये ज्यादा नहीं है? अरे अहो दादा, इससे भी ज्यादा देने वाले के रिश्ते आए थे, लेकिन हमें आपकी बेटी पसंद है, इसलिए ज्यादा नहीं कहा है। 30 लाख और 10 तोला सोना, इतना ही दे पाऊंगा। 40 लाख कैश दीजिए, 10 तोला सोना दीजिए। अब सोचना क्या है इसमें, रिश्ता पक्का। इधर लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, अब फटाक से शादी करवा लेते, पट मंगनी चट गया। ये लो पेड़ा। लीजिए लीजिए लीजिए। शिंदे, हाँ, 20 लाख मिले, बाकी का पैसा? अरे बस कुछ दिन में मिल जाएंगे, आप बेफिक्र रहे। देखना। हाँ हाँ, जरूर। पता है ना क्या करना है, उसको पता चल गया ना गड़बड़ जाएगी। मुझे पता है, आप टेंशन मत लो। ऐसे ही आंखें बंद रखना, चाहे जो हो जाए, आंख मत खोलो।
अरे भाभी जी, अरे भाभी जी लाइए, मैं पकड़ता हूँ, लाइए। क्या कर रहे हैं? रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। अरे आप क्या क्या करोगे भाभी जी, हमें भी तो सेवा का मौका दीजिए। लाइए, मैं पकड़ता हूँ, आइए आइए आइए। भाभी जी, आपको पहले कभी देखा नहीं, या नए हो क्या? हो, कल्पना ये चीज सुन, अभी शादी हुई है। अच्छा, सूरज भाऊ। भाभी जी एक बात बोलूं, आप ना बिल्कुल मेरे बीबी जैसे दिखते हैं। हाँ, वो वहाँ गांव में और मैं यहाँ डंडा लेके खड़ा हूँ, चौकीदार का काम करता हूँ ना, इसीलिए आपको देखे ना उसी की याद आई। खरच संग तो है ये दे दीजिए। थैंक यू। इस तरह अनजान लोगों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? चल अंदर। सर ये सब देख के तो सर। नमस्कार सर। हाँ सर, मैं अपने पड़ोसी के बारे में कुछ बोलना चाहता था। पहले अपने बारे में बता। हाँ सर, मैं पीताम्बर काले नीरव नगर में रहता हूँ। मेरे पड़ोसी का नाम है सखाराम सावंत। मेरे को वेड़ नहीं है, लौकर कायते सांगा। सर ये सखाराम सावंत की बेटी है सोनम। एक साल भर से गायब है, बड़ी अच्छी लड़की थी। मैंने वो सखाराम सावंत और उसके बेटे सूरज सावंत दोनों को बहुत बार पूछने की कोशिश की, लेकिन वो लोग अजीब ढंग से बात को टाल जाते हैं। सर फिर एक दिन बताया कि वो गाँव चली गई है। हाँ तो इसमें अजीब क्या है, हो सकता है बेटी को गाँव भेज दिया हो। लेकिन सर एक बहन को अपनी भाई के शादी में आना चाहिए कि नहीं? वो नहीं आई। ये उसका भाई सूरज दिखता भी कुछ अजीब ही है सर। पहले कभी इसको ना देखा, ना इसके बारे में उन लोगों ने कभी जिक्र किया। फिर अचानक 3 साल पहले घर आ गया और एक साल भर पहले सोनम गायब हो गई। ठीक है, चेक करा सर। ये सोनम है हमारी बेटी, एक लड़के के साथ में भाग गई थी, 1 साल से पता नहीं चला उसका। लोगों को पता चल जाता तो हमारी बदनामी होती, इसलिए सोनम के भागने की बात हमने किसी से नहीं कही। और हाँ, अब हमारा उससे कुछ संबंध नहीं है, समझ लीजिए मर गई वो। सर मेरी अंजलि से शादी होने के बाद बड़ी मुश्किल से घर में खुशियां वापस आई हैं। आप प्लीज सोनम के बारे में बात करके हमें और परेशान मत करिए। अच्छा, आप लोगों की सोनम से आखिरी बार मुलाकात कब हुई थी? मुलाकात मुलाकात तो छोड़िए साहब, 1 साल से हमारी उससे बात भी नहीं हुई। तृप्ति, इस सोनम की कुंडली निकालो, मुझे लगता है कि फैमिली हमसे कुछ छुपा रही है। आंखें बंद करो, लेट जाओ। मुझे ये सब बहुत अजीब लगता है, आप लाइट्स ऑफ कर देते हैं, मुझे कपड़े उतारने के लिए कहते हैं लेकिन खुद कभी कपड़े नहीं उतारते, आंखें भी नहीं खोलने देते मुझे। तो गलत क्या इसमें, पति पत्नी कमरे में लाइट और पर्दे बंद करके बैठ करते हैं या खिड़की दरवाजे खोल कर? अब तू मुझे बताएगी क्या कैसे करना है? जितना बोला है उतना कर, समझी? चल सर। सर ये पीताम्बर का शक सही लग रहा है, सोनम का फोन पिछले 1 साल से बंद है, उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए, कोई अफेयर का एंगल सामने नहीं आया सर। तो सावंत परिवार ने उसके साथ क्या किया होगा? एक मिनट सर। हेलो सर, मोरे नगर के पास वाले जंगल में एक लड़की की लाश मिली है। ठीक है, हम लोग तुरंत आ रहे हैं। सुमिता चेक करा। सर ये तो अंजलि है, सावंत परिवार की बहू। पिछले महीने इसकी सूरज के साथ शादी हुई थी सर।
ये तो नीरव नगर में रहती। यहाँ मोरे नगर के जंगल में क्या करने आई थी? सर सिर पर काफी गहरी चोट है। सर इसको जांच के लिए भेज दो। शिरके इसके फैमिली को इन्फॉर्म कर दो, मुझे पूछताछ करनी पड़ेगी। ठीक है सर। मेरे आसपास सीसीटीवी हो तो जरा उसका फुटेज कलेक्ट करना। लेकिन सर ये तो काफी सुनसान इलाका है, रास्ते में कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है सर। सर ये पर्स मिला है और ये पर्स के अंदर ये मोबाइल मिला है, लेकिन ये बंद है, उसको टेक्निकल टीम के पास भेज दो। सर आपकी बहू कहाँ है? वो सुबह बाजार गई है। आपने आखिरी बार कब देखा था उसको? आज सुबह जब वो बाजार गई। लेकिन क्या बात क्या है सर? मोरे नगर के जंगल में हमें एक लाश मिली है, वो आपकी बहू की है। क्या क्या कह रहे सर? अरे वो ये कैसे हो गया? किसने मारा होगा मेरी बहू अंजलि को? उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? सर किसने मारा मेरी बीवी को बताइए, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। बेटा बाबा अंजलि शांत हो जाओ। आप कहाँ थे उस वक्त? दुकान पर अपनी। कीर्ति नगर से यहाँ तक जितने भी सीसीटीवी है सारा फुटेज कलेक्ट करो। शिरके तुम्हें अजीब नहीं लगता? जिस घर की बेटी एक साल से गायब है उसी घर की बहू की हत्या हो जाती, वो भी इस तरह। सर अजीब बात तो है, वैसे इस केस में एक और कॉमन लिंक है, कमलेश शिंदे। सर ये अंजलि उसी कमलेश शिंदे की बेटी है जिसके गोडाउन में ये राजू काम करता था, और राजू की हत्या भी 2 महीने पहले ही हुई है। इन दोनों केसेस का आपस में जरूर कुछ ना कुछ संबंध है, लेकिन क्या? अगर संबंध नहीं है, ये योगा योग की बात है, तो इस केस की जड़ तक हमें जाना होगा। हाँ सर। सर सही है, देखिए सर 16 फरवरी की सुबह 11 बजे अंजलि कीर्ति मार्केट की सीसीटीवी में कैप्चर हुई है। फिर ये मार्केट में तो दिख रही है, लेकिन इसके बाद में घर गई या नहीं पता करो, मतलब प्रत्येक माहिती पाई जाए। तो सर अंजलि अंजलि मुझे पता है मेरी बेटी को किसने मारा, वो लालची सकारा और उसके परिवार ने मारा है इसको, उसको पकड़ लो साहब, मेरी बेटी का खून किया है उसने। सर कमीनों ने 40 लाख रुपए मांगे थे दहेज में, 20 लाख रुपए देने बाकी थे, इसीलिए उन कमीनों ने मेरे बेटी को मारा होगा। चलो चलो चलो। अरे शिंदे बैठे बैठे चाय पी रहा है, अब इसको भी यहाँ पे बिठा और उसको चाय पिलाते बैठ। सखराम जी क्या हुआ? बाकी के 20 लाख कब भेजेंगे? अगर नहीं भेज सकते ना तो इसको भी वापस नहीं भेजने का, समझे? मेहरबानी करा सखराम जी, बात मानिए ना, 4-5 दिन में करता हूँ कुछ तो। सर आएगा 4 दिन के अंदर पैसा मिलना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा हमारा संबंध खत्म। और एक बात, अगर पैसा नहीं मिला ना तो पूरा गुस्सा इस पे निकलेगा। माझ्याकडून खूप मोठी चूक झाली साहेब, की उन लालची लोगों के साथ मैंने अपने बेटे को वापस भेज दिया, उन्हें पकड़ लीजिए सर और सीधे जेल में डाल दीजिए। हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, आप जाओ। सर बाहर पितांबर आया है, उसको भेजो। सर मैं सांगितलं होतं ना तुम्हाला, अरे सावंत फैमिली बहुत अजीब फैमिली है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने अपनी बहू अंजलि को घर के बाहर निकाल दिया। सूरज मुझे घर से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी? मामा मेरे मामा पैसे दे देंगे। जब दे देंगे तो बता जाना जी, चल निकल। जब तक तेरे बाप से पैसे नहीं लाएगी ना तब तक इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद है, समझी? निकल यहाँ से। बाबा सूरज सूरज तुम्हारे पाप पर घर से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी? हट सूरज सूरज सूरज। ओहो भाभी जी ये दुनिया ना बड़ी जालिम है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, आपको कोई भी तकलीफ होने नहीं दूंगा, आप ना मेरे साथ चलिए, आइए ना। अरे आइए, हाथ मत लगाना मुझे। अरे भाभी दूर हटो, खूब समझती तुम्हारे घटिया इरादे, मदद चाहिए होगी ना तो अपने आई पापा के पास जाऊंगी। तुम निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। अरे निकलो सूरज बाबा।
सर वो बेचारी अंजलि कई घंटों तक घर के बाहर बैठे रोती रही, फिर इन लोगों ने उसे घर में लिया। सर बड़े कमीने लोग हैं ये। सर उस पर भरोसा मत कीजिए, वो एक नंबर का कमीना आदमी है। वो भी यही बोल रहा था आपके बारे में। आप मुझ पर विश्वास कीजिए ना सर। क्यों? एक तो वो अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाना चाहता था, जब बात नहीं बनी तो इस तरह से बदला ले रहा है। चाय पानी का बंदोबस्त करो। हो बाबा। बैठो। कहो कैसे आना हुआ? वो छोड़ो, मेरी खूबसूरत लड़की को रिजेक्ट करके तुमने इस लड़की से अपने बेटे की शादी करा दी, क्यों? पता है कितना दहेज मिला है? अरे तो दहेज मैं भी देता ना। देखो सखाराम, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। देख लेना सखाराम, तुम्हारा बेटा इस लड़की के साथ कभी खुश नहीं रहेगा। अभी भी देर नहीं हुई है, इसे रास्ते से हटा दो और मेरी बेटी को बहू बना लो। तभी से ये पीताम्बर खुन्नस पाल कर बैठा है। मुझे तो लगता है उसने ही मेरी बहू का मर्डर किया होगा। सर अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके साथ रेप कंफर्म हुआ है सर। उसकी मौत 16 फेब को दोपहर 12 से 2 के बीच में हुई है सर। उसके साथ बलात्कार किया गया और बॉडी पर सीमेन सैंपल भी मिले हैं। तो इसका मतलब शिरके, जिसने अंजलि का रेप किया उसी ने उसको मारा है। अच्छा ये सोनम सावन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? फिलहाल तो सर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसकी फोटो सभी जगह सर्कुलेट करवा दिया। वॉचमैन नितिन? सर वो वॉचमैन अंजलि के मर्डर वाले दिन से ही गायब है, उसका घर भी चेक किया है सर, सामान वगैरह कुछ नहीं है। शिरके वो मिलना जरूरी है, ढूंढो, अरेस्ट करो उसको। ठीक है सर। सर अंजलि के मोबाइल से इस केस के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है, ये देखिए। ये तो राजू है शिरके, अंजलि के मर्डर के 2 महीने पहले इसका मर्डर हुआ था। क्या अंजलि और राजू एक दूसरे को जानते थे? सर ये राजू के फोन में अंजलि का फोटो इसके साथ मिलना, मतलब सर हो सकता है कि ये दोनों केस आपस में कनेक्टेड हों। शिरके अंजलि की पहली बहुत उलझी हुई है, इसका मतलब ये अंजलि के बारे में सबको सब कुछ नहीं पता। एक काम करो, इसके ससुराल और मैके को खंगालो, इसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। ठीक है सर। पूरे घर का कोना कोना छान मारो, अच्छे से तलाशी लो। सर बड़े अंदर जाओ। अरे साहब ये क्या चल रहा है? 16 फेब को 12 से 2 के बीच कहाँ थे आप लोग? आते मतलब घर पे ही थे। सूरज कहाँ था? हमारी किराने की दुकान है, मैं वहीं पर था। देखो अगर कुछ छुपा रहे हो ना तो उगल दो, वरना अपने तरीके से पूछो। सॉरी अंजलि की डायरी। और सर ये कुछ और मिला है। क्या ये? ये मैंने ही खरीदा था। क्यों, कोई अपराध है क्या? चलो सर, अंजलि के हस्बैंड सूरज के कॉल रिकॉर्ड चेक किए थे सर। सर एक इम्पॉर्टेंट बात पता चली है सर, ये सूरज किसी निशा नाम की औरत के कांटेक्ट में था। निशा बार बार उसे कॉल करती थी और जब हमने निशा के एड्रेस पे जाके पूछताछ की तो सर पता चला है कि निशा सूरज की पहली बीवी थी। 5 साल पहले ये सावंत फैमिली आदर्श नगर में रहती थी। और सर ये सावंत फैमिली के घर से अंजलि की डायरी मिली है, बहुत कुछ लिखा है इसने उसमें। राजू देखो मैं तुम्हारी पसंद की मिठाई लेकर आई हूँ। मेरी पसंदीदा मिठाई तो तुम हो, बैठो। राजू पता है कल मुझे लड़के वाले देखने आए थे और हमेशा की तरह रिजेक्ट करके चले गए। तो अच्छा हुआ ना, वो तुम्हें पसंद कर लेते तो मैं जी नहीं पाता। अंजलि मैं तुम्हें खो करना जी नहीं पाऊंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। अंजलि बाबा, बाबा मेरे औकात कैसे? औकात मेरे मेरे अंजलि की तरफ हाथ उठाकर देखा कैसे तूने? बाबा उसी कोई गलती नहीं बाबा, बाबा हाँ, बाबा बाबा लगा के रखा, चल घर पे। तेरे रिश्ते टूटने से पहले कम बदनामी हुई थी जो तूने नई मुसीबत पैदा कर दी। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या गलती कर दी मैंने प्यार करके? कम से कम राजू ने मेरा रंग तो नहीं देखा, बाबा उसने देखी है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी अच्छाई। और तेरे बाप का पैसा देख रहा है वो।
देवो, ये लड़की पैदा होने से पहले मर क्यों नहीं गई? खबरदार, याचा पुणे ना राजूला भेटली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? जाओ जल्दी यहाँ से, जाओ। शिरकी, सावन फैमिली बहुत गड़बड़ लग रही है। हर वक्त कुछ ना कुछ नया राज सामने आ रहा है। शिरके, ये डायरी सिर्फ डायरी नहीं है, इस केस में जितने भी विलन शामिल है उन सब की कुंडली है। शिरके, राजू के फाइल के ऊपर जो धूल जमी थी वो झाड़ने का टाइम आया है। असल में अंजलि राजू से प्यार करती थी, लेकिन उसकी शादी जबरदस्ती से सूरज के साथ की गई थी। अरे कमलेश राजू से नफरत करता था और शायद इसीलिए उसने उसको मारा या किसी से मरवाया। हो सकता है सर। वैसे अंजलि ने डायरी में वही बातें लिखी हैं जो वो किसी से शेयर नहीं कर पाती थी, जैसे कि उसके ससुराल वाले से टॉर्चर करते थे और वो आशिक अक्षय, उसने भी उसे काफ़ी परेशान किया है। इस केस से जितने भी लोग जुड़े सबकी इंक्वायरी करो, किसी भी हालत में राजू और अंजलि को न्याय मिलना जरूरी है। और वो कमलेश, उसकी दोबारा पूछताछ करो। आपने बात हमें पहले क्यों नहीं बताई कि अंजलि राजू को चाहती थी? सर, अगर मैं ये बात बताता तो बेकार में आप मुझ पर शक करते। शक कभी भी आपके ही ऊपर है। आपने अपने गोडाउन के वर्कर को मना किया था कि अंजलि और राजू की बात सामने नहीं आने चाहिए। इनफैक्ट राजू की मौत से आपका रास्ता साफ हो गया है। उसकी मौत से सिर्फ और सिर्फ आपको फायदा हुआ और किसी को नहीं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं सर। देखिए, कमलेश दादा ने कुछ नहीं किया है और इन पर राजू की हत्या का आरोप लगाने से अच्छा है ना कि आप अंजलि के कातिल को ढूंढिए। प्लीज, आपको क्या लगता है हम क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं हम। I'm sorry, Didi. मैम, थोड़े टाइम पहले दीदी ने मुझे एक बात बताई थी, शायद मुझे आपको बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। उन्होंने बताया था कि चीजू उनके संग बहुत अजीब बर्ताव करते हैं, जैसे संबंध बनाते वक्त उन्होंने आज तक उनके सामने कपड़े नहीं उतारे और उन्हें कहते थे कि अपनी आंख बंद रखो। बड़ी अजीब बात है, पति पत्नी के बीच में इतना पर्दा कहाँ होता है? कुछ और बताया उसने तुम्हें? नहीं मैम, पर दीदी को बहुत अजीब फीलिंग आती थी सूरज जीजू से। उन्हें ऐसा लगता रहता था कि जैसे जीजू उनसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहे हैं। ये सूरज कहीं लड़की तो नहीं है सर? क्योंकि उसके हाव भाव देख के मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। तुम्हें भी शक हुआ ना शिरके? मुझे भी पहली बार जब देखा उसको शक हुआ। वो है लड़की, लेकिन दुनिया के सामने लड़का बन के घूम रहा है। सर, हमें उसका मेडिकल टेस्ट कराना चाहिए। नहीं शिरके, कानून ये करने की इजाज़त नहीं देगा, क्योंकि हमारे पास कोई पक्का सबूत नहीं है। एक काम करो शिरके, ये सखाराम और अक्षय, इनका DNA टेस्ट करवाओ और किसी को भी शक के दायरे से बाहर मत जाने दो। ठीक है सर। हाँ, अंजलि से पहले सूरज की शादी मुझसे हुई थी, लेकिन हमारा तलाक हो गया। डिवोर्स के बाद भी सूरज के कांटेक्ट में क्यों हो? तो इसमें गलत क्या है? हम अच्छे दोस्त हैं और सूरज अपनी बीवी के साथ खुश था, तो मुझे इससे क्यों प्रॉब्लम होगी? वो हीरो बनता है तू? हाँ, हीरो बन के घूमता है तू? सर, तेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली हमने, हवस का पुजारी है ना तू? सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। अंजलि की शादी के बाद से तो मैं कभी उससे मिला भी नहीं। शादी के पहले तो परेशान करता था उसको। नीरव नगर में तेरा मोबाइल लोकेशन क्या करता है रे? उसके ससुराल के आसपास क्यों मंडरा था तू? नीरव नगर में मेरा दोस्त रहता है, इसलिए कभी कभार जाते रहता हूँ मैं उसके पास। अंजलि के साथ जो कुछ भी हुआ वो वाकई में बहुत बुरा था, पर मैं सच कह रहा हूँ सर, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तेरा हाथ है क्या? तेरा पैर है, वो हम ढूंढ के निकालेंगे, समझा ना? खड़े तुम जाएगा तुम चल लावा चांगले। सर, मैं सच कह रहा हूँ। सर, सखाराम और कल्पना 16 फेब को अपने घर पर ही थे और सूरज के मोबाइल लोकेशन से पता चला है कि वो दुकान पर था। शिरके, ऐसा शातिर बिना मोबाइल के भी क्राइम सीन पे जा सकता है। ये सावन फैमिली के ऊपर भरोसा मत करो, झूठ बोलते हो लोग। जांच जारी रखना। ठीक है सर, लेकिन सर हमें और सबूत जुटाने पड़ेंगे, क्योंकि राजू के केस में कमलेश के मोबाइल लोकेशन से कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। राजू के मर्डर में तो कमलेश के ऊपर शक है, लेकिन ये अंजलि, इसका मर्डर किसने और क्यों किया होगा? सर, खबरी का फोन था, उसने बताया वॉचमैन नितिन धारावाहिक में छुपा बैठा है। ले क्या उसको? किधर गया था? किधर गया था? सीधा खड़ा रह, इधर हट।
16 तारीख से कहाँ गया था रे तू? काम से बाहर गया था सब, घर का पूरा सामान लेके गया था बाहर। हाँ, हो गया अंजलि के मर्डर के दिन। सच बोल, तेरे तो चलने फिरने के बात करने के देखने के लायक नहीं छोड़ूंगा तेरे को। चल के जाओ, चला क्या है ये मार्केट में अंजलि घूम रही है और उसके पीछे कौन है? तू है, क्या कर रहा था उसके पीछे? सब वो मैं खरीदारी के लिए गया था सब उधर। खरीदारी करने के लिए गया था? पैर को क्या हुआ है? सब वो बाथरूम में पैर फिसल गया। सब बाथरूम में पैर फिसल गया क्या? जिंदगी से पैर फिसल गया जरा। हाँ, इसका डीएनए कराओ सर, और जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए मुझे। जब सकारा माने अक्षय से रिपोर्ट चुका है सर, वो आई रही है। सर, सूरज की पैर में भी निशा, उसकी सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज में सूरज को रिसेंटली देखा गया है। देखो मामला क्या है सर। सर, डीएनए रिपोर्ट आ गई है सर। मैच हो गई किसी की? सर, अक्षय और सकाराम की तो नहीं हुई। नितिन? सर, नितिन का डीएनए मैच हुआ है। अंजलि की बॉडी पर जो सीमेन मिला था वो नितिन का ही है। इसका मतलब रेप और मर्डर नितिन ने किया है। पाउंचर भी होते थे, चला दे। ये तो खूब हो गया, तूने अंजलि का रेप किया, मर्डर क्यों किया उसका? बता दो सब। सब उस दिन अंजलि मार्केट से लौट रही थी तो मैंने उसका पीछा किया साहब। अभी मेरी हिम्मत की देखिए किधर, तूने बहुत तरसा है तूने। सब वो पुलिस को सब बता देगी। इस डर के कारण मैं अपने दोस्त के पास धारावी में जाके छुप गया सब। बाद में खबर जब पड़ी तो पता चला कि अंजलि का मर्डर हो गया सर। मजा विश्वास चाहो साहब, मैंने उसका खून नहीं किया साहब। शिरके, इसने रेप तो कबूल किया, ये मर्डर भी कबूल करेगा शिरके, इसका डोज बढ़ा। सब मेरी बात सुनो, सब मैंने नहीं किया था, सब मेरी बात नहीं किया था। अंजलि मर्डर केस उसके साथ हुए बलात्कार की पुष्टि पर जाकर ठहर गया था। अंजलि पर बुरी नजर रखने वाला वॉचमैन नितिन अब सलाखों के पीछे था, पर क्या अंजलि का कातिल भी ये नितिन ही था? अंजलि की बदनसीबी मरने पर भी अन्याय बनकर पीछा कर रही थी। मायके में राजू के साथ अधूरे प्रेम की टीस पीछे रह गई थी और ससुराल में पति के नाम पर सूरज के रूप में उसे सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला था। दूसरी तरफ पुलिस की जांच शक के दायरे में एक के बाद एक आते जा रहे नामों में उलझ कर रह गई थी। सखाराम सावंत, कमलेश शिंदे, अक्षय और वॉचमैन नितिन जैसे कई लोगों पर पुलिस को शक था, लेकिन अंजलि के लिए न्याय अब भी इस एक सवाल के जवाब का इंतजार कर रहा था कि उसका कातिल आखिर है कौन। सर, मुझे लग रहा है कि नितिन सच बोल रहा है। वैसे भी अंजलि की लाश हमें मोरे नगर में मिली थी और मोरे नगर से कीर्ति मार्केट और अंजलि का ससुराल, ये दोनों ही जगह काफी दूर है सर। सर, कि मुझे भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि नितिन की पैर में अभी भी सूजन है और ऐसी हालत में वो अंजलि का रेप करके उसका पीछा नहीं कर सकते। सर, सर ये सावंत फैमिली का नाटक ही खत्म नहीं हो रहा है। सर, निशा और सूरज इनका डिवोर्स ही नहीं हुआ था, उनका स्टेटमेंट गलत था। सर, एक बात और, सर ये सूरज निशा के अकाउंट में हर महीने 30,000 रुपये भेजता है। हमें पता है कि सूरज के साथ तुम्हारा तलाक नहीं हुआ था, फिर भी हर महीने वो तुम्हें 30,000 रुपये देता था, अब बोलोगे क्यों? सर, ऐसे नहीं बोलेगी। मैं बताती हूँ। सर, सूरज एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है, उसका नाम सोनम है। दहेज के लिए उसने लड़का बनकर मुझसे शादी की थी, जिसके लिए मेरे पिताजी को गांव की जमीन बेचकर उसे 20,00,000 रुपये देने पड़े। लेकिन शादी के बाद उसके शारीरिक संबंध बनाने के तरीकों पर मेरा शक और गहरा होता चला गया। फिर एक दिन मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया।
अंजलि कब तक लड़का बनने का नाटक करके बेवकूफ बनाएगी? सूरज अपने लड़की होने की बात राज रखने के लिए मुझे हर महीने पैसे देता है, लेकिन मेरे पिता ने शादी पर जितना खर्च किया है वो सब मैं उससे वसूल कर रहूंगी। इसका मतलब इस साजिश में तुम सूरज के साथ शामिल हो? ये सब क्यों होने दिया? तुम पुलिस के पास भी आ सकती थी। सर, क्यों हमारा पता चला? नहीं नहीं, तुम्हें तुमको तो पता चला होगा। तुम्हारे बाल तो बड़े, अरे ये तो लड़की है। हाँ, अब पता चला क्यों मारा? अब ये बताओ कि ये सोनम को सूरज क्यों बनाया था? लोगों की क्यों फंसा रहे थे? दहेज के लिए सर। सर हमारी सोनम की शादी नहीं हो पा रही थी, सब लोग बहुत ज़्यादा दहेज मांगते थे सर, और हम नहीं दे पा रहे थे। तो हमने सोचा कि सोनम को लड़का बना देंगे, उसकी शादी करवा देंगे और खुद दहेज ले लेंगे। वैसे ही किया सर हमने, लेकिन वो अंजलि को हमने नहीं मारा सर। अंजलि को तुमने ही मारा है, क्योंकि उसको पता चल गया था ये सूरज नहीं सोनम है, और तुम्हें डर था वो सबको बता देगी, इसलिए तुमने अंजलि को मारा। सर हमने अंजलि को नहीं मारा सर, बल्कि मैं तो खुद ही परेशान हो गई थी लड़का बनने का नाटक करते करते। सर एक मिनट। हेलो, क्या सर? मैंने इसे कहीं तो देखा है सर। ये कमलेश शिंदे के कोयले के गोडाउन में काम करता था। क्या सर, ये क्या चक्कर है? हर एक मामले की लिंक कमलेश शिंदे के कोयला गोडाउन से जाके मिलती। हाँ सर, लेकिन अभी तक हमें कमलेश शिंदे के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। मिलेगा, जरूर मिलेगा, पहले इसकी इन्फॉर्मेशन निकालो। ठीक है सर। दगड़ू का घर? जी हाँ, मेरा ही बेटा है। कहिए क्या बात है? दरअसल उसका मर्डर हो गया है। हाँ, हमें घर की तलाशी लेनी है। पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो। सर। खड़े, बुलाओ उन्हें। ये आपके घर में तो ऐशो आराम के सब सामान है, ये दगड़ू को पगार कितनी मिलती थी? सर, ये सर, जैन सर। सर हमने दगड़ू के घर की तलाशी ली सर। ये दगड़ू ही मामूली सी पगार पे शिंदे के गोडाउन में काम करता है, लेकिन सर उसके घर में ऐशो आराम की हर चीज़ है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, सब कुछ। और सर कमाल की बात यह है कि ये सारी चीज़ें उसे किसी और के क्रेडिट कार्ड से खरीद के दी गई हैं। इतनी महंगी चीज़ें उसे कोई क्यों देगा? और अगर देगा तो बिना वजह नहीं देगा। और सर कमाल की बात तो यह है कि 16 तारीख को दोपहर 3 बजे उस क्रेडिट कार्ड से एक शर्ट भी खरीदी गई थी, और जहां अंजलि की डेड बॉडी मिली वो शर्ट की दुकान वहां पास में ही है। इसका मतलब शिरके हम जल्दी कातिल तक पहुंचने वाले हैं। अंजलि का कातिल और मैं, ये क्या बकवास कर रहे हो आप? शायद आपको मालूम नहीं, अंजलि मेरी भतीजी है, मैं भला उसका खून क्यों करूंगा? क्योंकि तूने अंजलि का बॉयफ्रेंड राजू का मर्डर किया। ये क्या बोल रहे हो आप? सिरके, मेरा वीडियो, हाँ, ये मोबाइल हमें दगड़ू के घर से मिला, और ये वीडियो देख के तू डरता था, और इसलिए तू दगड़ू जो चाहता था उसको लेके देता था। इतना ही नहीं, दगड़ू के बाप ने हमें बताया तू कोयले के गोदाम के आड़ में गलत धंधा करता था। हाँ, तेरा नसीब अच्छा था रे, तू 3-4 मोबाइल यूज करता था, इसलिए तू जल्दी ट्रेस आउट नहीं हुआ हमको। अब बता अंजलि को क्यों मारा? क्या सबूत है आपके पास? कि मैंने सबूत चाहिए तेरे को? याद कर, जब तूने अंजलि को मारा तो ब्लड के छींटे तेरे शर्ट पे उड़े थे, आया याद? फिर तूने क्या किया, तू एक दुकान में गया, वहां तूने एक शर्ट खरीदी और वहां कार्ड स्वाइप किया, वो कार्ड स्वाइप किया जो कार्ड स्वाइप करके तू दगड़ू को चीजें लेके देता था। हम वो दुकान में पहुंचे, तेरा नसीब खराब था।
तूने वहां से एक शर्ट तो खरीदी लेकिन पुरानी शर्ट वहीं छोड़ गया और वो दुकानदार ने वो शर्ट स्टोर रूम में रखी थी। और चाहिए सबूत? और चाहिए सबूत? नहीं साहब, बता दो साहब। बता साहब, मैं कमलेश दादा के कोयले के गोडाउन में छुपके से ड्रग्स का धंधा करता था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन ये बात राजू को पता चल गई। अरे क्या कर रहे हो, ठीक से रखो। देख राजू, अपने काम से काम रख, समझा? जा काम कर। कितने घटिया इंसान हो यार तुम, जिस थाली में खाते उसी में छेद करते, तुम्हें शर्म नहीं आई? देख फालतू की बात मत कर, अगर तू चाहता है ना तो तुझे भी इसमें हिस्सा देने को मैं तैयार। भाई मैं भीख मांग के ना अपना गुजारा कर लूंगा, लेकिन तेरी पाप की कमाई मुझे नहीं चाहिए। और तो और, मैं सब कुछ शिंदे साहब को बता के रहूंगा, उन्हें पता तो चले, उनके पीठ के पीछे उनका ही भाई गोदाम में क्या काला कारोबार कर रहा है। राजू मेरी बात मानता तो मरने से बच जाता था। तेरा भांडा फोड़ के रहूंगा, छोड़ छोड़। ठीक है, अंजलि को क्यों मारा? सब एक दिन अंजलि अचानक मायके आई थी और मुझे ये बात मालूम ही नहीं थी वो घर पे है। देख दगड़ू, अगर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की ना तो तू बहुत पछताएगा। ड्रग सप्लाई के मामले में तुझे जो तेरा हिस्सा मिल रहा है ना, तू उसी में खुश रहे, समझा? और हाँ, राजू की हत्या का मामला अगर सामने आया तो तुझे क्या लगता है, तू बच जाएगा? मेरे साथ तू भी फंसेगा। चल रखता हूँ। तो वो आप हैं जिसने मेरे राजू की जान ली? याद रखना काका, इसकी माफी आपको कभी नहीं मिलेगी। अंजलि वैसा कुछ नहीं है साहब, मैंने अंजलि को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं थी। हालांकि उसके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था, उसको समझाने के लिए दूसरे दिन मैं उसके ससुराल जा रहा था तभी वो मुझे रास्ते में ही मिल गई। अंजलि क्या हुआ बताओ मुझे, किसने किया ये सब? काका एक आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर। तुम गाड़ी में बैठो, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। नहीं आप मुझे जीना ही नहीं है काका। तुम गाड़ी में बैठो, चलो। अंजलि हम अपने घर चलते हैं कमलेश दादा के पास, मैंने कहा ना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम जैसे खूनी से मुझे मदद चाहिए ही नहीं, तुमने मुझसे मेरा राजू छीन लिया, सबने मुझे बहुत तकलीफ दी, सब के सब जेल जाओगे तुम लोग। चुप कर, तेरी आवाज भी हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, समझी? इसे राजू का क्या? हाँ वैसे मुझे भी मार दोगे ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अंजलि तुमने मुझसे मेरा राजू छीन लिया। अंजलि उधर उधर, पुलिस को बताएगी। नहीं और फिर दगड़ू भी ये वीडियो दिखा कर मुझे ब्लैकमेल कर रहा था तो मैंने उसे भी मार दिया। तूने लोगों को नई सीख दी है, बाहर वालों से पहले अपने लोगों से सतर्क रहना चाहिए। लालच कई बार ऐसी हवस का रूप लेता है कि इंसान अच्छे बुरे का फर्क नहीं कर पाता है, वो एक गुनाह छिपाने के लिए सिलसिलेवार अपराध करने पर मजबूर हो जाता है। करीब 3 महीने से अनसुलझा पड़ा ये कोल्ड केस दगड़ू की मौत के बाद सुलझ पाया। राजू की हत्या के 2 महीने बाद अपनी भतीजी अंजलि और फिर दगड़ू की हत्या को अंजाम देने में दोषी प्रशांत शिंदे को कड़ी सजा सुनाई गई। वहीं सावन परिवार को भी उनकी बेटी सोनम को लड़का बनाकर उसकी शादी करने के एवज में धोखाधड़ी के मामले में जेल की हवा खानी पड़ी। लेकिन अंजलि के साथ जो हुआ उसमें उसका परिवार भी बराबर दोषी है। हमारे समाज में आज भी लड़की को बोझ मानने वालों, उसके रंग रूप के आधार पर भेदभाव करने वालों की कमी नहीं है। ऐसे में एक परिवार की अपने हर सदस्य के प्रति जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। पराए लोगों से असुरक्षा स्वाभाविक है, लेकिन ख्याल रखें कि हमारे आसपास पारिवारिक सुरक्षा का एहसास देने वाला कोई शख्स ही कहीं संदिग्ध तो नहीं। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क के जस्टिस रिलोडेड में एक नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान में रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.